की फाइल 5 साल से। जब चुनाव आया तो आरएसपी का फंड पास हुआ। न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। जेल का ताला टूटेगा, संजीव सिंह छूटेगा। अब 5 साल नहीं पछताना, झरिया में अब कमल है खिलाना। जैसे गगन चुंबी नारों के बीच झरिया के कतरास मोड़ चौक पर भाजपा नेत्री ने जमकर हुंकार भरी। भारी बारिश के बावजूद समर्थकों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरा कतरास मोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं और रागिनी सिंह के समर्थकों से भरा पड़ा था। मंच से रागिनी सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झरिया की जनता के साथ जो सत्ता पक्ष के लोग ढकोसला करने का काम कर रहे हैं, उन्हें जनता मुंहतोड़ जवाब विधानसभा चुनाव में देगी। स्थानीय विधायक पर जमकर बरसते हुए कहा कि पिछले 5 साल सिर्फ लूटने का काम किया, अब चुनाव नजदीक आया है तो आरएसपी कॉलेज का नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अब जनता इन ढकोसलों और झूठी बातों को बखूबी समझ चुकी है। झरिया में परिवर्तन के बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। राज्य में जेएमएम महागठबंधन की सरकार लूट खसोट करने में लगी हुई है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, इसकी चिंता न तो राज्य सरकार को है और न ही झरिया विधायक को। जो विधायक का कार्यकाल 5 साल बीतने में कुछ महीने ही शेष हैं, तो उनको झरिया के जनता की याद सताने लगी है। मुख्यमंत्री से कहा कि आप तो झूठ बोलने के साथ साथ वादे करने में भी महारत हासिल है। अब चुनाव करीब आ चुका है, इसलिए आरएसपी कॉलेज के मुद्दे को लेकर झरिया की जनता को झूठे वादे कर रही हैं। अब वक्त आ गया है कि झरिया के साथ साथ पूरे प्रदेश से महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकना है और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाना है। वहीं सभा के अंत में श्रीमती रागिनी सिंह ने स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ झरिया विधानसभा से भाजपा परिवर्तन यात्रा को लेकर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान झरिया के पूर्व विधायक कुंती सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। रैली में अनेक छोटे बड़े वाहनों के साथ सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार भी रैली में शामिल हुए। झरिया कतरास मोड़ से निकली रैली में भगड्डी बस्ताकोला क्षेत्र से भी लोग वाहनों के जरिए शामिल हुए। मौके पर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, सिंह मानचंद समर्थक, मातृशक्ति और युवा साथी मौजूद रहे। वो तो एक चुनावी मुद्दा लेकर अपने मुख्यमंत्री से बेचारे की खिलाए कि अपने लिए तो झूठ बोल ही रहे हैं, हमारे लिए भी तो झूठ बोल दीजिए। Thank you.
गुजारिश इसको इग्नोर करें। जय श्री राम।